नंद सूर्य मल इंटर विद्यालय परिसर में मौजूद हैं और यहां विधानसभा चुनाव को लेकर के सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। चुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसा कि यहां बताया गया है कि 6 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं जिसमें एक सखी केंद्र भी है। तो मतदान केंद्र पर फिलहाल यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और मतदाताओं के आने का भी सिलसिला यहाँ लगातार जारी है और साथ ही जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका भी फिलहाल पालन होता दिख रहा है और हम आपको आगे भी इसमें विशेष रूप से जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ मतदान की प्रक्रिया चल रही है और क्या क्या सुरक्षा गाइडलाइन का यहाँ पालन किया जा रहा है जो चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। हम आपको बता दें कि 3 लाख से अधिक मतदाता, करीब 3,27,000 मतदाता सुल्तानगंज में मतदान में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए 463 बूथ बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जिसमें से कृष्णानंद विद्यालय इन परिसर में यहाँ पर 6 बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी व्यापक इंतजाम यहाँ देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, जो भी वो तमाम तरीके की जो भी सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइन है उसका यहाँ पालन किया जा रहा है। स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्कैनर से जो भी मतदाता यहां पर आ रहे हैं परिसर में, जो लोग भी प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी के द्वारा लगातार यहां पर जांच की प्रक्रिया के बाद ही कोई भी अंदर जा सकता है। इसकी अनुमति किसी को भी नहीं है, बिना जांच की प्रक्रिया के या बिना मास्क के उपयोग करने वाले को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको हम बता दें कि ग्लव्स के लिए भी लगातार इंतजाम किए गए हैं। हालाँकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो खुद के ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ग्लव्स मतदान के लिए आ रहे हैं उन्हें ग्लव्स की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर के यहाँ व्यापक इंतजाम, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी हैं और सखी मतदान केंद्र होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मियों की भी पूरी तरीके से यहाँ तैनाती देखी जा रही है। तो लगातार यहाँ पर पूरे परिसर में सुरक्षा को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराए जाने को लेकर के लगातार यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और तैयारियाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हो या मतदान कर्मी हो, दंडाधिकारी की देख रेख में यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता का ख्याल रखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का भी यहाँ पालन होता फिलहाल दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मतदान से जुड़ी हुई प्रक्रिया वो जारी है, लगातार यहाँ पर देखी जा सकती है। तो हम इसके साथ आपको भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के और भी बूथों तक जाएंगे और वहाँ से भी तमाम जानकारियाँ हम आपसे साझा करेंगे कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और कोरोना काल में ये जो चुनौती के रूप में सामने आई है मतदान की प्रक्रिया वो पूरी हो सके। जी।